अजमेर जिला रोलबॉल संघ की ओर से अजमेर के इंडोर स्टेडियम में विजेता खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अजमेर जिला रोलबॉल संघ के सचिव किशोर कुमार मारोठिया ने बताया कि 12 से 14 मई तक झुंझुनू के गुढ़ा गौरजी इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं जूनियर राज्य स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों के बालक और बालिका वर्ग में 18 टीम्स ने भाग लिया। अजमेर जिले की बालिका टीम ने लगातार चौथी बार जूनियर वर्ग का खिताब अपने नाम किया। टीम के अजमेर आने पर इंडोर स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि महापौर धर्मेंद्र गहलोत और विशिष्ट अतिथि खेल अधिकारी अभिमन्यु चौधरी ने सभी विजेता खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया। 13 से 16 मई तक कोटा में संपन्न हुई 34वीं राजस्थान स्टेट बालक मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अजमेर की टीम उपविजेता रही। टीम ने 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर 21 अंकों के साथ उपविजेता रही। टीम के सेक्रेटरी नरेंद्र कुमार निर्माण ने बताया कि अजमेर के दयाल सिंह को मोस्ट चैलेंजर चुना गया। 12 वर्ष की आयु में मोहम्मद अली, 13 वर्ष आयु में सुखपाल सिंह, 14 वर्ष की आयु में दिग्विजय और 15-16 वर्ष में कुमार राहुल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हेमंत 13 वर्ष, राकेश 14 वर्ष, दयाल सिंह और शुभम सैनी ने रजत और अंशु गुप्ता ने कांस्य पदक प्राप्त किया। बालिकाओं ने 12 वर्ष आयु वर्ग में जसमीत 13 वर्ष में, अयाशी गौड़ और जय मीना और चित्रांशी ने रजत पदक प्राप्त किया। इन सभी विजेताओं का अजमेर रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर स्टेशन पहुंचने पर विजेताओं के परिजनों ने खिलाड़ियों के सर पर तिलाला पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर स्टेशन पर यात्रियों और परिजनों ने खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। यहाँ लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे है रक्तदान शिविर का आयोजन। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक, तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।